इस वक्त सबसे खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। मल्टीपोलर हो चुकी दुनिया में एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश साथ खड़े हैं, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देश शामिल हैं, तो दूसरी तरफ रूस है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में बेहद ताकतवर बनकर उभरा है। रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश खड़े हैं, जो वक्त आने पर दोस्ती की कीमत अदा कर सकते हैं। दुनिया के नक्शे पर देखें तो एक तरफ रूस और यूक्रेन जंग चरम पर है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इसराइल और ईरान के बीच खतरनाक जंग के समीकरण बन चुके हैं। तीसरी तरफ चीन को लेकर साउथ चाइना सी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, तो वहीं कोरियाई प्रायद्वीप पर उत्तर कोरिया बार बार दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इस बार ऐसा हो रहा है कि वो देश भी परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, जो काफी जिम्मेदार माने जाते हैं और परमाणु संधि से भी जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद खुद रूस ने परमाणु हमले के लिए अपनी सेना को हाई अलर्ट पर तैयार करके रखा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले हालात मिडिल ईस्ट में डेवलप हो रहे हैं। ईरान ने इसराइल को मिटाने की धमकी दी है। ईरान के एक सांसद ने यह कहकर अमेरिका और इसराइल में हड़कंप मचा दिया है कि ईरान आधे दिन यानी 12 घंटों में इसराइल पर परमाणु बम गिरा सकता है। ईरानी तल्ख तेवरों को देखते हुए ही अमेरिका ने आनन फानन में सऊदी अरब और कतर में F-16 विमानों की फौज उतार दी। सऊदी अरब के सुल्तान प्रिंस एयरबेस और कतर के एमिरी नेवल बेस पर अमेरिका ने F-16 की टुकड़ी बिठा दी, ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी और किसी भी समय यमन और ईरान पर एक साथ धावा बोला जा सके। साफ है कि अमेरिका को भी डर है कि ईरान आखिरी हथियार के तौर पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर रेगिस्तान को थर्राने का काम कर सकता है और उसके निशाने से इसराइल का नक्शे से नामो निशान मिट सकता है। दरअसल ईरान ने पहली बार इसराइल पर सीधा हमला किया। ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इसराइल के ऊपर दाग दी, जिसमें 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलों के साथ खतरनाक किलर ड्रोन भी शामिल थे। हालांकि इसराइल भी हमले के लिए पहले से तैयार था और उसकी मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन के साथ ही जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश भी आ गए थे। नतीजतन इसराइल ने एक बड़े हमले को काफी हद तक नाकाम किया। लेकिन अब ईरान और इसराइल के बीच बदले की आग ठंडी नहीं पड़ी है, ये भड़कने से पहले सुलग रही है। दुनिया पर खतरा तीसरे विश्व युद्ध का मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए तैयार हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों के मुताबिक ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। परमाणु बम में यूरेनियम की वजह से ही चेन रिएक्शन होता है और महाविनाशकारी विस्फोट होता है। पश्चिमी देशों के हथियार विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से ज्यादा संवर्धन कर लिया है। अमेरिका के मशहूर भौतिकी वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट का कहना है कि ईरान धरती पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने के बेहद करीब है। ईरान की खुफिया न्यूक्लियर साइटों को लेकर सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि वहां एक हफ्ते के भीतर ही ईरान कम से कम 12 परमाणु बम बना सकता है। ईरान के जागरोस पर्वत के पास एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब तैयार की गई है, जहां ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर साइट ही उसका असली खजाना है, जिसके दम पर वो पूरे मिडिल ईस्ट में आका की भूमिका में खुद को देखता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब और कैसे हुई। दरअसल ईरान में एक दौर रेजा पहलवी की हुकूमत का था। उस दौरान ईरान को पश्चिमी देशों का पिछलग्गु माना जाता था। पश्चिमी देशों के लिए ईरान ने दिल खोलकर प्राकृतिक संसाधन के दरवाजे खोल रखे थे, जिसके बदले में उसे सुरक्षा और टेक्नोलॉजी मिल रही थी, जैसा कि आज के दौर में सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों को देखा समझा जा सकता है। 1957 में अमेरिका ने पहली बार ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का ऐलान किया। एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत इनका इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाना था। साल 1970 में ईरान ने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने का फैसला किया, जिसके तहत नए परमाणु हथियार बनाने पर पाबंदी थी।
ईरान ने तब तक कोई परमाणु हथियार बनाया भी नहीं था, इसलिए उसे एनपीटी पर साइन करने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन ईरान की सियासी फिजा में अचानक इस्लामिक क्रांति ने करवट बदली। रेजा पहलवी की सत्ता बेदखल हो गई और ईरान में 1989 में आयतुल्ला रोहेला खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर स्थापित हुए। खामनेई ने न सिर्फ पश्चिमी देशों से रिश्ते तोड़ लिए बल्कि पुराने समझौते भी नकार दिए। नतीजतन परमाणु रिएक्टर्स ठप पड़ गए। इसके बाद तकरीबन 8 साल तक ईरान और इराक जंग चलती रही। इसके बाद ईरान ने एक ही मकसद बना लिया कि वो परमाणु बम बनाकर ही रहेगा, ताकि इलाके में फिर कोई सद्दाम हुसैन या फिर दुनिया में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को आंखें ना दिखा सके। गुपचुप तरीके से ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुट गया और उसकी मदद पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने की। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने अवैध तरीके से परमाणु तकनीक ईरान को बेची। ईरान ने 5 परमाणु बम बनाने के लिए प्रोजेक्ट अमाद लॉन्च किया था। साल 2014 तक का टारगेट रखा गया था, लेकिन 2003 में अमेरिका ने इराक पर जनसंहार हथियार रखने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। उस समय ईरान को ना चाहकर भी अपना परमाणु कार्यक्रम रोकना पड़ गया। लेकिन उसके बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू किया। ईरान बड़ी तेजी से न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता रहा। पश्चिमी देश समझ गए कि ईरान जल्द ही परमाणु बम बना लेगा, जिस कारण से इजराइल की सुरक्षा को देखते हुए ईरान को रोकने की कोशिश शुरू हो गई। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हुई। ईरान ने डील पर साइन किए, जिसमें शर्त थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंटरनेशनल एजेंसी को निगरानी की छूट देगा और अगले 15 साल तक यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा एनरिच नहीं करेगा। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट्स की क्षमता भी कम करेगा। बदले में ईरान पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए। लेकिन साल 2018 में इसराइल ने ईरान को झटका दिया। इसराइल ने दुनिया को ये सबूत दे दिए कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल जनवरी 2018 में एक खुफिया ऑपरेशन के तहत इसराइल की मोसाद के एजेंट ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से 1,00,000 से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स खोदकर बाहर निकाल ली और दुनिया के सामने रख दी। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील के बावजूद बम बनाने में जुटा हुआ है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ दी। ईरान अब आजाद है परमाणु कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए, हालांकि उसके पीछे इसराइल की खुफिया एजेंसियां हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। इसराइल ने अब तक ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पिछले 15 साल में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इन सब की मौत के पीछे इसराइल को जिम्मेदार माना गया है। इसराइल ने खुद कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साल 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को बम से उड़ा दिया गया। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े कर्ता धर्ता थे। इसी तरह 2010 में ही तेहरान में एक कार धमाके में ईरान के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर माजिद शहरयारी की मौत हो गई। इसके ठीक 2 साल बाद 2012 में तेहरान में ही ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुस्तफा अहमदी रोशन की कार बम से उड़ा दी गई। 4 साल पहले ही नवंबर 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरी जादे की हत्या कर दी गई। बहरहाल, परमाणु बम कोई भी देश गिराए या पहले चलाए, लेकिन इससे मरेंगे करोड़ों लोग और इसका अंत सबकी मौत के साथ ही होगा। इसलिए तब ये फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले किसने चलाया, लेकिन जो महाविनाश होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अमेरिकी सेना पर कई किताबें लिख चुकी एनी जैकबसन लिखती हैं कि अगर रूस और चीन परमाणु हमला करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सिर्फ 6 मिनट का समय होगा परमाणु हमले पर फैसला लेने का। तो वो ये भी लिखती हैं कि परमाणु बम फूटने के बाद 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पिघला देने वाली हवा चलेगी और लोग मशरूम बादलों में समाते चले जाएंगे। ऐसे में दुनिया की सांस अटकी हुई है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो फिर इजराइल का क्या होगा।